नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो इस तरह के हम लोग 24 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 25वां टेस्ट है। ठीक है, याद रखिए आपके जो भी इस तरह के टेस्ट होते हैं वो आपको एक जगह ही मिल जाएंगे, वो है आपकी अपनी प्ले लिस्ट सूची जनरल स्टडीज के नाम से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, ICAR वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एनसेप्टिव सॉल सही है, एंटी सॉल ए भी, अल्फीसॉल ए भी, वर्टिसॉल ए भी पाई जाती है। तो इसमें आपकी चारों प्रकार चारों मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण के तहत एक संस्थान राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना ब्यूरो ने भारतीय मृदा पर काफ़ी अध्ययन किया है। मृदा का अध्ययन करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय बनाने के प्रयास के तहत ICAR ने संयुक्त राज्य कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदा को उसके स्वभाव और चरित्र के आधार पर वर्गीकृत किया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा दूसरा, क्या है दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, सही कथन इनमें से देखना है। लेटेराइट मिट्टियाँ, मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फॉस्फेट की कमी होती है, एक काजू जैसे पादप फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। सही है, पंजाब हरियाणा में लवणीय मिट्टियाँ में पुनः उर्वरता लाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। रेगुर मिट्टियों में पोटास नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है, लेकिन आयरन फॉस्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, एक कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये आपका गलत है। इसमें एक और दो कथन आपका सही है, क्या है, एक और दो सही है। रासायनिक रूप से काली मिट्टी चूने लोहे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, इसमें पोटास भी होता है, लेकिन इसमें फॉस्फोरस नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी का रंग गहरे काले और भूरे के बीच बदलता है। ठीक है, काली मिट्टी आपकी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। तो दूसरे में आपका था एक और दो कथन सही था। क्वेश्चन है आपका तीसरा, क्या है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन क्षेत्रों को वहाँ पाए जाने वाले खनिजों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित क्षेत्रों को वहाँ पाए जाने वाले खनिजों के साथ सम्मिलित कीजिए, क्या करना है, सम्मिलित करना है। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, यहाँ आपका अभ्यक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अभ्यक, यानी कि एक आपका दूसरे से सम्मिलित होगा। दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र में आपका मोनाजाइट पाया जाता है, दो एक से। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपका जिप्सम पाया जाता है, यानी कि तीन चार से सम्मिलित होगा। ठीक है, और जो हिमालयी मिट्टी है एक कोबाल्ट पाया जाता है इसमें, तो इसमें आपका ए सही होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, तीसरे का आपका ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। लोह अयस्क कोयला और कपास भार ह्रास वाले कच्चे माल हैं, ये आपका गलत है। कोटलूज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें संसाधनों और सेवाओं अथवा परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, ये आपका
सही है, इसमें आपका केवल कथन दो सही है। क्या है? केवल दो कथन सही है, एक आपका गलत है। भारी हिरासी कच्चा माल वह है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान भार में कमी आ जाती है, इसलिए कच्चे माल का भार उत्पादित वस्तु के भार से अधिक होता है। लोह अयस्क और कोयला भार हिरासी कच्चे माल हैं, लेकिन कपास नहीं है इसमें। ठीक है, लोह अयस्क और कोयला हैं लेकिन कपास नहीं है इसमें। क्वेश्चन है पांचवा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है पांचवा, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जलोढ़ मृदा से बना है जिसे खादर कहते हैं। ये आपका गलत है। खादर मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ये आपका गलत है। वांगर क्षेत्र में नदी जलधाराएं विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में पुनः अवतरित हो जाती हैं। ये भी आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, यानी कि तीनों आपके सही नहीं है। तो इसमें क्या होगा? एक दो तीन सही नहीं है, तीनों सही नहीं है। ठीक है, इसमें सही क्या होंगे आखिर? उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा पुरानी जलोढ़ से बना है। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। यह बाढ़ मैदानों के ऊपर स्थित है, इन्हें हम लोग बांगर कहते हैं। नए निक्षेपों को खादर कहा जाता है, ये हर वर्ष नए निर्मित होते हैं। यह उपजाऊ भूमि होती है और गहन खेती के लिए आदर्श होती है। शिवालिक के दक्षिण में और उसके समांतर विस्तृत 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भावर कहा जाता है। जब नदियां पर्वतीय भाग से नीचे उतरती हैं तो कंकड़ पत्थरों व भारी अवसादों का निक्षेपण पर्वतों के किनारे पर कर देती हैं। इन्हें अवसादों से भावर का निर्माण हो जाता है। पर्वतों से उतरने के बाद भावर में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक, तो पांच का आपका डी ऑप्शन था। क्वेश्चन है हमारा छठवा। क्या है क्वेश्चन? सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ये आपके स्थान हो गए सूची एक में, और सूची दो में उद्योग हो गए। बोंगाई गांव आपका पेट्रो रसायन के लिए है। कोरापुट आपका विमान उद्योग से संबंधित है। पिंजौर ये आपका मशीन उपकरण से संबंधित है। सिरपुर आपका कागज से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता दें आप लोगों को, जिससे आपको परेशानी ना हो। ये स्थान दिए गए सूची एक में, और सूची दो में उद्योग दिए गए। बोंगाई गांव किस उद्योग के लिए? तो ये आपका पेट्रो रसायन के लिए। कोरापुट ये आपका विमान उद्योग से संबंधित है। पिंजौर मशीनी उपकरण से संबंधित है। सिरपुर ये आपका कागज उद्योग से संबंधित है। ठीक है, यानी कि आपका इसमें बी है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सात। क्या है क्वेश्चन? लोह खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। लोह खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। लोह अयस्क मैग्नीज और क्रोमाइट लोह खनिज हैं। सही है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले लोह अयस्क में सबसे प्रमुख हैं। ये भी सही है। दुर्ग में डल्ली और राजहराज देश में लोह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। ये भी आपका सही है। क्या पूछा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि आपके तीनों सही हैं, यानी कि साथ में आपका डी होगा। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा आठ। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है यानी कि सही है? तो इसमें आपका बॉक्साइड एक खनिज दिए गए और एक खदान है। बॉक्साइड आपका लोहरदगा सही है। अभ्रक
कोडरमा, कोयला, झरिया, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो आठ में आपका क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है, तीनों सही हैं। क्वेश्चन है नौ, क्या है? नाभिकीय खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। नाभिकीय खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें भारत विचार करना है। भारत में यूरेनियम अयस्क नहीं पाए जाते, ये आपका गलत है। भारत में थोरियम भंडार में समृद्ध है, भारत थोरियम भंडार में समृद्ध है, सही है। दूसरा आपका सही है, पहला आपका गलत है। भारतीय ऊर्जा पैदा करने में उपयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है। धारवाड़ चट्टानों में यूरेनियम का निक्षेप मिलता है। भौगोलिक दृष्टि से यूरेनियम अयस्क सिंहभूमि ताम बेल्ट के साथ अनेक स्थान पर पाया जाता है। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर और झुंझुनू जिले, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका केवल दो कथन सही था नौ में। क्वेश्चन है हमारा दस, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। लोहा एवं इस्पात उद्योग एक भार ह्रास उद्योग है, सही बात है। सूती वस्त्र एक भार ह्रास उद्योग है, ये आपका गलत है। इसमें केवल एक सही है आपका, क्या है? एक सही है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका विनिर्माण प्रक्रिया में भार ह्रास नहीं होता है। इस प्रकार अन्य कारक जैसे करघा संचालित करने के लिए शक्ति, श्रम पूंजी या बाजार को चलाने की शक्ति उद्योग की स्थिति निर्धारित कर सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 11, क्या है? फुटलूज उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। इसे बिना विशिष्ट लाभ के किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है, सही है। सामान्यतः इसमें अत्यधिक कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती, ये आपका गलत है। फुटलूज उद्योग में परिवहन लागत कुल लागत का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ये आपका सही है। यानी कि एक और तीन सही है, दूसरा गलत है। तो दूसरे में सही क्या होगा? इसमें अत्यधिक कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, इसमें अत्यधिक कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, याद रखिए। इसलिए ये कुशल श्रमिकों को आकर्षित करते हैं। ये उद्योग विश्वविद्यालय के निकट स्थित होते हैं जहां आवश्यक कुशल श्रमिकों के रहने की संभावना होती है। तो 11 में आपका क्या होगा? एक और तीन, यानी कि सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 12, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित बंदरगाहों को संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित करना है हमें। निम्नलिखित बंदरगाहों को उनके राज्यों के साथ सम्मिलित करना है, ये आपके बंदरगाह दिए गए, ये राज्य दिए गए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है आपका? ये है आपका महाराष्ट्र में। एन्नौर आपका तमिलनाडु में है। मारमागाओ आपका गोवा में है। पारादीप आपका उड़ीसा में, ठीक है। फिर से याद देख लीजिए एक बार, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में, एन्नौर बंदरगाह आपका तमिलनाडु में, मारमागाओ ये आपका गोवा में, पारादीप आपका उड़ीसा में, ठीक। यानी कि इसमें डी होगा, क्या होगा? डी ऑप्शन सही है, 12 में आपका डी सही है। क्वेश्चन है 13, क्या है क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र में के विकास को गतिशीलता प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गतिशीलता प्रदान करते हैं? क्या करते हैं? मुंबई बंदरगाह, कपास उत्पादक क्षेत्र से निकटता, वर्ष 1869 में स्वेज नहर का खुलना, तीनों आपके सही है। 13 में आपका डी होगा, क्या होगा? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 14, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इन मृदाओं में
पोटास अधिक किंतु फास्फोरस की कमी होती है। सही बात है। गंगा के निचले और मध्यवर्ती मैदानों में ये मिट्टियाँ दोमट और चिकनी होती हैं। ये भी आपका सही है, यानी कि 14 में क्वेश्चन नंबर 14 में आपके दोनों सही हैं। तो यानी कि सी होगा ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन सही है। याद रखिए, जितनी भी आपकी PDF होती हैं इस तरह की, वो सभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती हैं, वहाँ से डाउनलोड करते रहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल मृदा का विकास कम वर्षा वाले रवेदार चट्टानों के क्षेत्र में होता है। ये आपका सही है। क्या है? सही है। दूसरा है, तमिलनाडु में लाल लेटराइट मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। ये भी आपका सही है। लवणीय मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण उत्पन्न निच्छालन के परिणाम स्वरूप होता है। ये आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो इसमें केवल आपका 3 कथन सही नहीं है, बाकी 1 और 2 सही है। तीसरे में आपका सही क्या होगा? तो सुनिए, लेटराइट मृदाएँ उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। यह उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले तीव्र निच्छालन क्रिया का परिणाम है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल 3 कथन सही नहीं था, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है 16, गहन कृषि के क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदा लवणीय मृदा में परिवर्तित हो रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। गहन कृषि क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदा लवणीय मृदा में परिवर्तित हो रही है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा में नमक जमा हो जाता है। सही है। लवणता की समस्या के समाधान के लिए किसानों को जिप्सम का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। ये भी आपका सही है, यानी कि 16 में आपका सी ऑप्शन होगा। दोनों कथन सही है। क्या है? दोनों कथन सही है। क्वेश्चन है हमारा 17, क्या है? पेडोकल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह मृदा शुष्क अर्धशुष्क तथा अर्धनम क्षेत्रों में पाई जाती है। सही बात है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम तथा खनिज विद्यमान होते हैं। ये भी सही है। समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में मरुस्थलों के आसपास स्टेपी तथा पेरी जैसे घास के मैदान इन मृदाओं पर ही विकसित हुए हैं। ये भी सही है, यानी कि 17 में आपका तीनों कथन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 18, क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। क्या करना है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये आपके लोहे अयस्क भंडार हैं और ये देश हैं, इनकी सूची सम्मिलित करना है। तो देखना है कि कौन सही सम्मिलित हैं। तो जो कैच प्रायद्वीप ब्राज़ील, ये आपका गलत है। कोस्ताने कजाकिस्तान, ये सही है। स्टेपी रॉक USA, ये आपका गलत है। चाहार चीन, ये सही है। तो इसमें 1 और 3 गलत हैं, 2 और 4 सही हैं। यानी कि इसमें पूछ रहा है उपयुक्त युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपका 1 और 3 सम्मिलित नहीं है, बाकी 2 और 4 सही थे। ठीक है, क्वेश्चन है 19, क्या है? भारत में बाढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जलधाराओं तथा नदी तंत्रों के अवरोधन से आकस्मिक बाढ़ आती है। सही है। ब्रह्मपुत्र आने वाली वार्षिक बाढ़ धान की फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती है। ये भी सही है। तमिलनाडु में शीत ऋतु में बाढ़ आती है। ये भी सही है, यानी कि 19 में आपके तीनों कथन सही हैं।
डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 20, सूखा प्रभाव प्रवण के क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। यह कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। गलत है। यह कार्यक्रम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी आपका गलत है। इसे एकीकृत वाटरसेड प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया। ये आपका सही है। केवल 3 आपका सही है। इसमें सही आखिर एक दूसरा गलत है, तो इसमें सही क्या होगा? तो याद रखना, यह कार्यक्रम आपका 4वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। किसमें? 4वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, 1973-74 में। और आपका जो यह कार्यक्रम आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, भूमि संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें केवल 20 में आपका केवल 3 सही था। क्वेश्चन है हमारा 21, क्या है? निम्नलिखित कारकों में कौन से मृदा निर्माण को नियंत्रित करते हैं? निम्नलिखित कारकों में से कौन से मृदा निर्माण को नियंत्रित करते हैं? मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक गतिविधि और समय। 5 कारक आपके मृदा निर्माण को नियंत्रित करते हैं। तो 21 में आपका डी होगा, ठीक। क्वेश्चन है हमारा 22, क्या है? मैसेडोनिया गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। इसने आधिकारिक तौर पर अपना नाम परिवर्तित कर उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य कर लिया है। सही बात है। वर्ष 1991 में यह ग्रीस से अलग हुआ था। ये आपका गलत है। केवल एक कथन इसमें सही है। क्या है? केवल एक कथन सही है। वर्ष 1991 में यूगोस्लाविया से स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात इस देश ने मैसेडोनिया नाम चुना था। ग्रीस से नहीं, किससे? यूगोस्लाविया से। क्वेश्चन 23, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट विकसित की? निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट विकसित की? तो यह आपका विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच आपका वैश्विक जोखिम रिपोर्ट विकसित करता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 24, निम्नलिखित में से कौन सा पद बायो प्रोस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें है आपका जैविक संसाधनों से प्राप्त वाणिज्यिक रूप से उपयोगी उत्पादों के लिए एक व्यवस्थित खोज। 24 का सी होगा। 24 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन है हमारा 25, गगनयान परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। सही है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न पृथ्वी कक्षा में ले जाना है। सही है। यानी कि आपके दोनों कथन 25 में सही हैं। क्या है? दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी तरह के हम लोग 25-25 क्वेश्चंस और भी लाते रहेंगे, ठीक है, श्रृंखला में।